कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज छुट्टी का दिन था, उमंग भी घर पे थे, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा तूफानी करते हैं। वैसे सबसे पहली बात है कि मैंने फ्लिपकार्ट से अपने लिए कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे, जो कि मैंने इसे यूज किया तो बहुत अच्छा निकला, और मैंने कहा चलो एक दो और मंगा लिया जाए। तो इसे मैं आज ओपन करती हूँ, देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो सब मैं आज दिखाने वाली हूँ। ये क्यान मुझे देने का नाम नहीं ले रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप सभी को दिखाऊँ। ऐसी फाड़ लेती हूँ, इसकी मेहनत भी काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल चुके थे मार्केट से, तो बहुत अच्छे रेट में मुझे मिल चुका था ये मम्मा अर्थ के ऐप से। तो मैंने सोचा इसे मंगवा लेती हूँ और आप सभी को भी दिखाती हूँ। और मैं एक चीज में और काम करने वाली हूँ आज, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि होते नहीं जिस दिन फ्री होते तो लगता है कि थोड़ा सा कुछ कर लिया जाए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये क्यान मुझसे जा रहा, तो क्यान एक्साइटेड है, क्यान को इतना अच्छा लग रहा है, क्यान को लग रहा है जल्दी ओपन करूँ। उसके बाद इसके काम की चीज होने वाली नहीं है इस पे, लेकिन ये फिर भी लगा हुआ है। ये देखो, सबसे पहले तो मैंने मंगवाया था ये लिपस्टिक अपने लिए, देखती हूँ पहली बार यूज करूंगी कैसा है ये। और ये चीज, ये दो चीजें तो मैं पहले ही यूज कर चुकी हूँ, तो काफी अच्छा लगा मुझे, मतलब मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, तो दोबारा मैं इसे मंगवा चुकी हूँ। और आज लिपस्टिक भी देखते हैं कैसा है, और क्या कहते हैं इसके बाद जब मैं पूरा यूज कर लूंगी आप सभी को बताऊंगी कैसा है ये। और चलो आज मैं आज क्या करने वाली हूँ, कहते ना फ्री बंदा कुछ भी कर सकता है, तो आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मेरा बिल्कुल मूड है आज अपना फेवरेट मैक्रोनी बनाने का। और मैं अपनी मैक्रोनी कैसे बनाती हूँ आपको बताती हूँ अपनी रेसिपी। सबसे पहले तो मैं प्याज काटने वाली हूँ बारीक बारीक। उसके बाद इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं शिमला मिर्च और ये प्याज और ये गाजर और मैं पत्ता गोभी, ये सब चीज़ें डालूंगी। और आज अपने अपने तरीके, सबके लोगों के वैसे अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मेरा भी तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और अभी ये लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं इस पर, और अब तैयारी चल रही है। काफ़ी लेट हो चुका है, वैसे आजकल ना दिन थोड़े छोटे हैं ना, तो जल्दी हो जा, जल्दी नहीं होता है। तो मैं इस पे करने वाली हूँ गाजर, सॉरी पत्ता गोभी। और एक बात बताती हूँ, हमने लॉकडाउन में इतना इंजॉय किया था ना, बहुत ज़्यादा, मतलब हमने इतनी चीज़ें बनाई थी, क्योंकि सबकी ये छुट्टी थी, भाभी की, भैया की, उमंग की, ऑफिसों की, और शॉप बंद थी उस टाइम पर, सब चीज़ें बंद थी, तो हमने बहुत इंजॉय किया, हमने इतनी चीज़ें बनाई बहुत ज़्यादा। अब वैसे बहुत कम टाइम लग पाता है, तो जब टाइम लगता है तो मैं बना लेती हूँ। वैसे मेरा फेवरेट है घर पे बनाया, मुझे खुद अपने हाथों का बहुत पसंद है, चाहे औरों को पसंद ना है, लेकिन मेरे को अपने हाथों का ही, मतलब मैक्रोनी पास्ता वगैरह खुद बनाया हुआ ही अच्छा लगता है। सिंपल सा बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बनाती हूँ। ये मैंने काटा है थोड़ा सा पत्ता गोभी, और ये थोड़ी सी गाजर, और ये प्याज, और ये शिमला मिर्च, और ये है मैक्रोनी, और ये है मेरे हस्बैंड जो मेरी पूरी बराबर हेल्प करा रहे। मैंने इन्हें कहा आप ये लहसुन का पेस्ट बना लो, तब तक फटाफट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में बच्चे आने वाले हैं, इनका फटाफट तैयार। ये मैंने पानी बॉईल करा है, इस पर मैंने ये एप्पल साइड विनेगर डाला है, काफ़ी लोग तो वो भी डालते हैं, क्या कहते हैं नींबू, लेकिन नींबू अभी हमारे पास है नहीं। उसके बाद मैं ये पत्ता गोभी डालने वाली हूँ, कहते कि इसमें ना कीड़े वगैरह होते, तो इसे ध्यान से, क्योंकि बच्चों ने खाना है, इस वजह से मैंने इसे डाल दिया है। दाल हमारी दाल पक रही है, तो काफ़ी आवाज़ आ रही है ये, तो इससे काम चलाने वाले हैं। वैसे तो नींबू सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध होती है, ये पता नहीं किस चीज़ से बना होगा, लेकिन नींबू डालना ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो इसको मैं अभी धो दूंगी अच्छे से, फिर करते हैं रेसिपी स्टार्ट। अब मैं कहने जा रही हूँ शुरू, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, और ये दो, मतलब इसमें से मैं एक ये वाला विनेगर लेती हूँ, एक ये सोया सॉस, और ये विनेगर लूँगी। जब भी मैं बोलने लग रही हूँ ना, ये सीटी पीछे से जरूर बजते जा रही है। सबसे पहले मैं डालूंगी रिफाइंड, क्योंकि मुझे रिफाइंड में ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी लोग तेल में भी बनाते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड में ज़्यादा बनाना पसंद करूँगी, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। मैं थोड़ा ऑयल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वैसे कम ही कहते हैं कि कम यूज़ करना है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, ये सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो मैं इसे कम यूज़ करूँगी। और मैं क्या कहते हैं, मुझे ज़्यादा यूज़ करूँगी, मतलब मुझे तेल मसाले वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तो मेरे हस्बैंड ने जो मेरी पूरी हेल्प करा रहे हैं साथ में, क्योंकि अभी हमारा बच्चा गया हुआ है पढ़ने भाभी के पास, तो हम दोनों आज ज़्यादा ही शेफ बन रहे हैं। वैसे हम बनते रहते हैं, उमंग तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और क्या अभी ये तेल गर्म हो रहा है, लेकिन उमंग ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो मैं कहती हूँ कि आज मैं ही बनाऊँगी पास्ता की, तो मुझे खुद, मतलब मैंने कहा ना मुझे खुद बनाना अच्छा लगे। वैसे हमारा तेल गर्म हो चुका है, और क्या कहते हैं सबसे पहले मैं डालूँगी सारी सब्जियाँ, प्याज,
मतलब एक साथ ही डाल देती हूँ मैं सारी सब्जियाँ। काफ़ी लोग तो पकने देते हैं लेकिन मैं सोचती हूँ कि सारी सब्जियाँ एक साथ ही पके तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने डाल दिया शिमला मिर्च और इस पर ऐड करेंगे गाजर। सॉरी अभी हरी मिर्च तो डाली नहीं है, हम लोग क्या घर पे बच्चे और भी हैं तो मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो हम मिर्च बहुत कम यूज़ करते हैं। वैसे मुझे तीखा पसंद है लेकिन बच्चों के चक्कर से कोई बात नहीं है ना, बच्चे के लिए तो बनाते हैं मिर्च तो हम इसे करते हैं। इसे मैं या आप देखो मैं आ रहा हूँ फिर इसे पकाऊँगी, इसे डाल के ऐड करूँगी अभी एक्स्ट्रा मिर्च। ये मैंने इसमें सिर्फ दो ही मिर्चें ही डाली हैं। मम्मी तो काफ़ी बारीक अपने हाथ से काटती है लेकिन मैं इसमें ज़्यादा हाथ नहीं लगाती हूँ मिर्चों पे कि मेरा हाथ क्यान पे ना लग जाए और क्यान को मिर्च ना लग जाए। कई बार होता है ना हम सिर्फ पानी से वॉश करते हैं हैंड अपने मतलब हैंड वॉश से नहीं करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इसलिए मैं सीजर से ज़्यादा पसंद करती हूँ काटना। वैसे काफ़ी लोग ना इसे अच्छे से पकने देते हैं लेकिन मुझे ना थोड़ी इसकी सब्जियां थोड़ी कच्ची कच्ची ज़्यादा पसंद है, इसे मैं पहले ही बॉईल कर चुकी थी क्योंकि टाइम नहीं होता है ना, तो मैं इसे दिन में ही उबाल के रख देती हूँ। तो अब हम ये डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि अगर ज़्यादा बन गया तो मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी इतना सारा क्यों बनाया है। तो इसे मैं थोड़ा रख दूँगी, इतनी बड़ी कढ़ाई रखती है वैसे हम इतने लोग हैं नहीं खाने वाले लेकिन ये ढक देते हैं, ये किसी और दिन बना लेंगे। ये तो मेरी फेवरेट है, जब भी मिल जाए मुझे गैस को सिम करके सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन का पेस्ट। इसके बाद में थोड़ा सा ही ज़्यादा ऐड नहीं करूंगी क्योंकि ये मुझे खट्टा लगता है, तो इससे मैं थोड़ा सा विनेगर है हाँ, तो इसे थोड़ा सा यूज करेंगे। इसके बाद डालेंगे सोया सॉस। ये बनाते दिखाऊं और ऐसे इसमें काफी लोग कुछ भी डालते हैं लेकिन मैं अपनी रेसिपी बताऊं तो मुझे ये डालना मटन चिकन मसाला हो या मटन मसाला हो ये दोनों चीजें मुझे डालना अच्छा लगता है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है मेरे हिसाब से। बाकी देखो अपना अपना टेस्ट होता है सबका, मैं तो ये जरूर ऐड करती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा अजीनोमोटो यूज करेंगे लेकिन ज्यादा लोग कहते हैं इसे नहीं खाना चाहिए, तो मैं आप सभी को कहूँगी कि मैं खा रही हूँ तो आप लोग ज़्यादा मत डालना इसे, सिर्फ टेस्ट वाइज ही डालना क्योंकि टेस्ट वाइज अच्छा होता है। तो मैं कब ये मैं डाल चुकी हूँ और इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मुझे, बार बार टेस्ट करते डालते करती हूँ, अभी वैसे मैं डाल रही हूँ सिर्फ 2 चम्मच और अब इसे करते हैं मिक्स। अभी कैसे बनेगा टेस्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। गैस कर दी थी सिम ताकि ये नीचे ना लगे, वैसे लगता नहीं है क्योंकि इस पर काफ़ी सिरका और ये क्या कहते हैं अदरक का लहसुन का पेस्ट बनाया था उस पर थोड़ा पानी ऐड किया था तो उस वजह से थोड़ा ये लगेगा नहीं। अब हमारा ये रेडी होने वाला है, अभी मतलब इसे मिक्स करने का काम मैं उमंग को दे देती हूँ और उमंग से टेस्ट भी करवाती रहती हूँ कि कैसा बना है। आप देखो नमक थोड़ा सा, क्योंकि मैं नमक थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ और घर पे थोड़ा कम खाते हैं, वैसे कम ही खाना चाहिए हर चीज़ में, मैं मतलब बिल्कुल अलग अलग करती हूँ गलत गलत काम, लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा नमक ना खाए। तो ये उमंग कर रहे हैं मिक्स, हमारा पास्ता होने मैक्रोनी होने वाली है रेडी और हम खाएंगे आराम से टेस्टी टेस्टी। और हमारा मैक्रोनी रेडी हो चुका है, सबसे पहले हम मम्मी और क्या कहते हैं भैया को खिलाने वाले हैं। नव्या और तो अभी आए नहीं है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं सबसे पहले हम भैया और मम्मी को हम टेस्ट कराने वाले हैं और उनसे पूछने वाले हैं कि कैसा बनाया हमारा। और चलो पहले मम्मी और भैया को, ये मेरा रेडी हो चुका है, मैं मम्मी और भैया को देने वाली हूँ और उनसे पूछती हूँ कितने स्टार देंगे वो मुझे। अब मैं मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी को टेस्ट कैसा लगा है, मम्मी बताएगी हमें। बहुत स्वाद बनी है, टेस्टी बनी है। चलो थैंक यू मम्मी।